Hello everyone, this is CACS, Sparshal Dhani this side, and we are back with yet another explanation video on the new ICI case study. As you all know, ICI has released 4 new case studies as of now. 2 case studies are included in the Student Journal of February 24 and 2 case studies, out of which 1 case study is already included in the Samadhan and baki case studies are also very manageable. Those are in the MTP for May 24. Sir, pehli baar aapko bata dun. आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू सी ए स्पर्श डुरानी बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स सो दैट वी कैन हेल्प मोर एंड मोर स्टूडेंट्स फॉर आईबीएस. ठीक है, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ. हम एक एक करके केस स्टडी हम कवर करते चलेंगे. देखो ये केस स्टडी ना थोड़ी सी अलग है, ज्यादा लेंदी है और काफी अच्छी एक केस स्टडी आईसीआई ने रेडी की है. अभी तक जो हम बोलते थे ना कि सर एससीएमपी कहाँ है, एससीएमपी कहाँ है केस स्टडीज में, ये केस स्टडी ऑलमोस्ट एससीएमपी कवर करती है. मतलब ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ दिस केस स्टडी इज एससीएमपीई. ठीक है, समझ गए, क्लियर है सब. चलो तो स्टार्ट करते हैं आपकी केस स्टडी से. देखो अब सर ये केस स्टडी क्या समाधान में इंक्लूडेड है. देखो ये अब स्वाभाविक सी बात है, ये केस स्टडी अभी आई है, इसके पहले के जो भी समाधान के एडिशन है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है. बट अभी जो लेटेस्ट एडिशन आएंगे उसमें केस स्टडी 77 ये इंक्लूड हो जाएगा. सर फिर हम क्या करें, आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑन टेलीग्राम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अब ये केस स्टडी सर आपकी जो स्टूडेंट जर्नल है वहां से है, बट स्टूडेंट जर्नल में उसका फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग था. एग्जाम फॉर्मेट जिस तरीके से एग्जाम में इसमें चीज रहेगी उसी फॉर्म में. सर अब आप पूरी केस स्टडी रीड करेंगे? नहीं, आपका टाइम करके केस स्टडी का एक ओवरव्यू बता दूं. यू हैव टू रीड केस स्टडी ऐसी केसेस विद एससीएमपी हैव टू रीड द केस स्टडीज बिकॉज एससीएमपी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द माइन्यूट पॉइंट्स पॉइंट्स इन बिटवीन द लाइन. सो ये चीज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है. सो देयर इज अ कंपनी RTL, which was established in 1935 and headquartered in Kolkata. They are in the tea business, as their name goes, Refresh Tea Limited. So, until the 1980s, what they were doing is like, they were just, they had the plantation of tea, वहाँ वो grow कर रहे थे, and then they would auction the leaves to other sellers, और वो repackaging करके market में sell कर रहे थे. तो इनका सिर्फ काम ये था कि वो plantation से auction कर रहे थे, और वहाँ बस sell कर रहे थे, until mid-1980s तक. उनके बाद उनको लगा कि हमें अपना ये expansion करना चाहिए, और हमें शुरू से लेकर end तक, from plantation to consumer, हर चीज हमें करनी चाहिए. तो from स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड कंज्यूमर पॉइंट सारी चीजें आरटीएल को करनी थी, तो उन्होंने ये स्कोप एक्सपांड करने का सोचा. ठीक है, क्लियर है, नो डाउट. आरटीएल डिसाइडेड टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड टी कंपनी बाय 1980s. द मार्केट वाज सैचुरेटेड विद मेनी सेलर्स. ये ध्यान देते चलो, एससीएमपी कॉम्पिटिशन, मेनी सेलर्स, मोस्ट ऑफ देम बॉट टी लीव फ्रॉम द ट्रेडर्स एट वेरियस ऑक्शन. जैसे आरटीएल पहले ऑक्शन करता था, ब्लेंडेड पैकेज एंड मार्केटेड द टी फॉर दीज अदर सप्लायर्स. इट अप्रोक्सीमेटली टुक 80 days. बाकी सप्लायर्स को कितना लगता था? 80 days लगता था. आरटीएल को इन हैंड जब आरटीएल ने काम स्टार्ट किया, आगे पढ़ोगे कितना लगता था? 20 days. उनका एम क्या था कि हम 20 day के अंदर फ्रॉम प्लांटेशन टू कंज्यूमर टी को प्रोवाइड कर दे. ठीक है, चलो. आरटीएल कंडक्टेड अ डिटेल्ड मार्केट रिसर्च एंड फाउंड दैट कंज्यूमर फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड डिफरेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस. अलग अलग रीजन अलग अलग प्रेफरेंसेस. किसी को सम रीजन प्रेफर द टी लीव द होल टी लीव एंड सम रीजन प्रेफर द डस्ट ऑफ द टी. जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में एज पर द क्वेश्चन डस्ट ली प्रेफर की जाती थी, एंड इन द बिहार एंड झारखंड एरिया दे प्रेफर द टी लीव द होल टी लीव. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ टी वॉज केप्ट हायर. देखो ब्रांडेड में उन्होंने क्या किया था, द ब्रांडेड टी वॉज केप्ट हायर एंड द टी वॉज अ लिटिल बिट ऑफ लेस क्वालिटी, और उन्होंने उसमें प्राइस डिफरेंशिएशन कर दिया था, एंड दे क्रिएटेड सेपरेट ब्रांड्स फॉर ईच टाइप ऑफ क्वालिटी. ठीक है, तो अब उनका क्या हुआ, दे चेंज देयर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. द न्यू विजन स्टेटमेंट ऑफ आरटीएल वॉज देन रिफ्रेम्ड एज टू बी द मोस्ट एडमायर टी कंपनी टू द सॉरी मोस्ट एडमायर टी कंपनी अक्रॉस द ग्लोब. द न्यू मिशन स्टेटमेंट ऑफ आरटीएल वॉज देन रिफ्रेम्ड
as to enhance customer experience by making tea a global beverage of choice, understand and influence taste and preferences by bringing unique quality affordable tea. So what is the vision? Vision is what you want to be, what is your future, and mission is how you are going to achieve it. So that's your vision statement, and then it is your mission statement. So CA final maybe you have to make your vision statement. What is your vision statement? I have to be chartered accountant. And what is your mission statement? That what you're doing right now. Well, studying 15 hours a day, meets and everything, giving tests, revisions, taking classes, practicing case studies from Samadhan and Sampoorna and everything. And yeah, if you want to buy the Samadhan, the link is in the description. And we, as you know, we have started pre-booking on our revision reckoner, Sampoorna. And by the way, all of these topics are going to be covered in Sampoorna. मतलब यहां से आपको केस स्टडी आई सीधा आप वहां टॉपिक से जाके सीधा सीधा सबसे ज्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा इन द केस ऑफ एमसीक्यू सीधा वहां देखो यहां आंसर आपको मिल जाएगा दैट वुड दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर रिगार्डिंग द Sampoorna सो या कमिंग बैक टू द केस स्टडी टुडे इन 2023 द टोटल इंडियन मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी 34,400 crores विद ब्रांडेड बिजनेस कंस्टिट्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू Sorry, the global tea market is estimated to be $45 to $50 billion with the main demand coming from black tea consumers worldwide. Findings reveal that consumers are healthy choices in past 2 years. Demand for fruit juices, coconut water, almond milk, milkshakes has increased according to the study. Just a second. According to the study, the shift towards healthier beverage choices like fruit. Coconut water, almond milk encompasses at least 8% of the beverage market. In the next 3 years, आने वाले 3 साल में 8% का beverage market उनका हो जाएगा. अब एक अलग कंपनी आएगी. Tea King PLC, TKP is a UK based company that produces tea bags. अब ये क्या करती है? Tea bags बनाती है. It is different from whatever RTL. ठीक है? The sachets can be conveniently disposed after use. Tea bags are sold primarily due to convenience. There's a trademark that is anywhere, anytime. कहीं पे भी कैसे यूज कर सकते टी बैग उसने सुन ट्रेडमार्क बताया था तो TKP है उसकी नेटवर्क कितनी है 3 times RTL क्या होगा RTL is going to acquire the TKP अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये देखो अपॉर्चुनिटी टू ओन अ कंट्रोलिंग स्टेट मतलब ऑलमोस्ट एक्वायरी कर रहे हैं बट यहां पे उनको क्या करना पड़ेगा उनको ज्यादा लोन लेना पड़ेगा क्यों बिकॉज इतनी बड़ी फाइनेंस डील को करने के लिए उनके पास फाइनेंसेस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथों साथ क्या चाहिए मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी अप्रूवल्स बिकॉज इट इज अ मर्जर बिटवीन इंडियन कंपनी एंड सॉरी अमलगमेशन ऑफ फॉरेन कंपनी बाय इंडियन कंपनी आपके पास काफी सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज का ही परमिशन लेना पड़ता है सो दिस वॉज द बेसिक केस स्टडी इंडिया के हिसाब से उसकी कंपनी इंडिया के हिसाब से उसके अकाउंट्स बनते हैं ठीक है समझ गए आप चीजें समझ गए किस तरीके से हुआ क्या क्या चीजें हुई द चेन ऑफ इवेंट्स आपको अगर अभी भी है एक बार फाइंड इन द टेलीग्राम इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद अस ठीक है चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करंट एक्सपेंशन प्लान ऑफ आरटीएल एक्विजिशन ऑफ टीकेपी एंड एक्सपेंशन ऑफ आरटीएल इन द मिड 1980s सो व्हाट डिड मिड 1980s दे एक्वायर्ड द होल सप्लाई चेन एंड व्हाट did in the 2023 with TKP they acquired the company in the same place likewise we can say a competitor as well so unhone same place ki company ko acquire kiya at mid 1980s mein they acquired the supply chain so what is that so coming back to the question current expansion of RTL is horizontal while expansion in mid is vertical this is the right answer kyun sir आपको पता है इफ यू हैव रेड एससीएमपी तो आपको पता होगा नहीं पता है तो मैं बता देता हूं जब कोई कंपनी अपने सप्लाई चेन में किसी के साथ पार्टनरशिप करती है एक्विजिशन करती है मर्जर करती है दैट इज योर वर्टिकल इंटीग्रेशन और जब कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स या फिर सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप या कुछ भी ऐसी इंटीग्रेशन करती है देन इट इज नोट एज horizontal integration so what they did in mid 1980s that was the vertical integration they acquired their supply chain from right from the plantation to the end delivery to consumer sari cheeze they acquired
And what they did in 2023? Horizontal integration. So the right answer is this one. The second question. The regulatory authorities in India have assessed whether there is any breach to any anti-competition laws. Which type of stakeholder will the regulatory authority be classified as using Mandelow's matrix? Sir, ye kya cheez hai Mandelow's matrix? Ajeeb si cheez hai, kuch naya hi naam aa raha hai Mandelow's matrix. Kuch nahi hai. Basic cheez hai, let me tell you. Dekho, main batata hu. Yeah, so basics kya hai? This is a matrix. Matrix aapko pata hai na, ye is tarike se banta hai. Char boxes hote hain. अब ये किसके लिए बनाया गया है? स्टेक होल्डर्स के लिए बनाया गया है. सर यहाँ पे किस तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं? ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास पहली बात तो हाई इंटरेस्ट है और जिनके पास हाई पावर है. जिनका कोई ट्रांजैक्शन में हाई इंटरेस्ट है और जिनके पास पावर. ऐसे चार आप अपने से मैट्रिक्स से बना सकते हैं. जिसके पास एक किसी के पास हाई इंटरेस्ट है बट लो पावर है, किसी के पास लो इंटरेस्ट है बट हाई पावर है, किसी के पास लो इंटरेस्ट है और लो पावर है. इस तरीके से आपके मैट्रिक्स में वो बनेंगे कि किसके पास क्या है. यहाँ पे आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका पावर, उस तरीके से आपके वो बन जाएगा एक मैट्रिक्स. सिंपल सा, दिस इज द मेंडेलोस मैट्रिक्स. अब सर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात हो रही है. क्या उनके पास हाई इंटरेस्ट है? क्या उनको इंटरेस्ट है कि आपका मर्जर होता है कि नहीं, अमलगमेशन एक्विजिशन होता है? डेफिनेटली उनको क्या इंटरेस्ट है, तो ये आपके आएंगे लोअर इंटरेस्ट सेगमेंट में, ठीक है. बट क्या उनके पास पावर है टू अफेक्ट योर एक्विजिशन प्लान्स? यस, डेफिनेटली. अगर एंटी कॉम्पिटिशन लॉस के अगेंस्ट में जाएंगे सो दे वो लोग डिनाई कर सकते सीधा सीधा आपके एक्विजिशन को. सो द राइट आंसर वुड बी लो इंटरेस्ट बट हाई पावर. सो व्हाट इज द रेगुलेशन अथॉरिटीज एंड इन्फ्लुएंसर विद लो इंटरेस्ट एंड हाई पावर? वो इन्फ्लुएंस करते हैं. की प्लेयर है क्या वो? नहीं. ये आपको ना मेंडेलोस मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा. मैंने आपको यहां बेसिक्स बता दिया इस तरीके से मेंडेलोस मैट्रिक्स वर्क करता है. सो ये आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है. चलो टीकेपी हैज यूज द टैगलाइन एनीवेयर एनी टाइम टू मार्केट इट्स सी बैक विद रेफरेंस टू द वैल्यू प्रोपोजिशन मैक. सर अगेन एससीएम का कॉन्सेप्ट. अभी तक आपने देखा सारे कॉन्सेप्ट किसके? एससीएम के कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछे हैं. तो दिस केस स्टडी इज मेनली अबाउट एससीएम ओनली. एग्जाम में आने के चांसेस स्लिम चांसेस है, कम चांसेस है बिकॉज इट इज लेंथी. बट हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती. एंड देयर माइट बी बिट्स एंड पीसेस ऑफ दिस एंड दैट केस स्टडी इन द एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से कि यहाँ पे दो है. एक होता है आपका कस्टम प्रोफाइल, एक होता है आपका वैल्यू प्रोफाइल. मतलब कि स्पेसिफिकली क्या है और प्रोडक्ट आपका वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती है. एक होता है गेन, या तो कुछ एडवांटेज है या पेन या कुछ लॉस है. अब दो चीजें में आपकी वैल्यू क्रिएशन होता है. कैसा? इफ यू आर गिविंग, इफ यू आर इंक्रीजिंग द एडवांटेज, तो वहां पे एक आपका गेन हुआ ना. दूसरी बात, अगर आप कोई पेन को कम कर रहे हैं, पेन रिलीवर, दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज एज वेल. तो ये आपका किस में आता है? वैल्यू मैप में आता है. अब आपको सिंपल मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करना है. अब एक सीधा समझिए, हमने ऊपर आप देखेंगे स्टडी पढ़ेंगे ना, वहां सिंपल सा पॉइंट है कि टी ब्रू करने के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया? टी बैग बना दिया. कौन इतनी चाय बनाए करे, उससे अच्छा उन्होंने क्या कर दिया? टी बैग बना दिया. सो वॉट वॉज दैट? द ब्रूइंग टी इज अ पेन फॉर कस्टमर, दैट्स वाई इट विल कम अंडर द पेन फॉर कस्टमर प्रोफाइल. कस्टमर के लिए क्या था? वो एक पेन था, ठीक है. अब कस्टमर की जो हेल्थ है, कस्टमर की हेल्थ कस्टमर के लिए वो गेन है. कस्टमर क्या है? वो गेन है. जितनी अच्छी हेल्थ उतना अच्छा ना. तो कस्टमर के लिए क्या है? जितनी अच्छी हेल्थ अगर कोई चीज प्रोवाइड करेगी, दैट वुड बी अ गेन फॉर कस्टमर, ठीक है. अब देखो, अब ब्रूइंग टी के अगेंस्ट में आपने क्या बनाया? टी बैग बनाया. तो एक पेन को हमने क्या किया? पेन रिलीव किया. सो वैल्यू मैप में वो कहां जाएगा? पेन रिलीवर. कहां जाएगा? पेन रिलीवर में. अब यही ग्रीन टी, ग्रीन टी क्या करती है? आपकी हेल्थ को एनहांस करती है. तो गेन को क्या करती है? और क्रिएट कर रही है. तो ये कैसे जाएगा? गेन क्रिएटर. सो द राइट आंसर वुड बी ए का 4, बी का आपका किस में जाएगा? गेन. सो बी का 1, एंड देन सी का क्या आएगा आपका? सी का आएगा 2, एंड डी का आपका कितना? डी का क्या आएगा? डी का आपका आएगा 3. सो दिस इज योर राइट आंसर. समझ गए? बेसिक सा कॉमन सेंस से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो एससीएम का हमने संपूर्ण हमें ये सब कवर करके रखा है, ठीक है. चल, द ब्लेंडिंग मशीन एट
Nangaon Assam factory blends tea varieties produced in the plantation of RTL. Due to increased seasonal demand during the monsoon, the production of tea increases in the factory for months May, June and July. Due to this, the availability of the blending machine is limited during these months. Blending machine mein wahan time limited hai. Time limitation. What is that? Bottleneck resource counting. नहीं तो बेसिक सा कंसेप्ट है एक एससीएमपी में. तो देखिए मेनी टाइम्स द रिसोर्सेज आर लिमिटेड और उस लिमिटेड रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉटलनेक है. मतलब वहां पे आपके पास सीधी सीधी भाषा में अगर आपको बोलूं मैं, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो दैट इज द बॉटलनेक रिसोर्स. अब उस चीज में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ब्लेंड, यूनिक ब्लेंड बनाना है वेयर देयर इज अ मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर यू. वो कैसे होता है, टू थ्रोपुट अकाउंटिंग रेशो. थ्रोपुट अकाउंटिंग रेशो कि जो रिसोर्स आपका स्केयर है, अब वो रिसोर्सेस को यूज करके कौन सा ब्लेंड सबसे ज्यादा एडवांटेज दे रहा है, आप वो ब्लेंड यूज करेंगे. एक बार सिंपल से समझते, ठीक है. अब ये देखो, सिंपल सा समझो. सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लेंड वन इज रुपीज 500, 600, 800. अब सर आप बेसिकली ऐसे देखेंगे और उसके बाद मटेरियल एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा. कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका 200 है, इसका 200 है, इसका 300 है. अब सब बेसिकली अगर आप सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन देखे करेंगे, सो यू वुड से द ब्लेंड ट्री इज परफेक्ट, बट इज इट एक्चुअली परफेक्ट, नो, बिकॉज यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज बॉटल नेक में है. अगर हमारे पास रिसोर्सेज बॉटल नेक में नहीं होते तो आप क्या बोलते, कुछ भी बनाओ कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपके पास मतलब रिसोर्सेज इनफ है. बट यहाँ पे रिसोर्सेज बॉटल नेक में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रोटपुट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. अब देखो टाइम रिक्वायर्ड एट द ब्लेंडिंग मशीन, यहाँ कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स, यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 40 मिनट्स. अब फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज पर मिनट में, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150, यहाँ पे 200. समझ रहे हो ना किस तरीके से हो रहा है. अब यहाँ पे देखो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, यहाँ पे 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 300. सो वॉट यू हैव टू कैलकुलेट कि किस में आपका सबसे ज्यादा एडवांटेज है. अब आप समझ लिए, 200 के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए द कॉस्ट वॉज रुपीज 100. सो वॉट इज द थ्रोटपुट अकाउंटिंग रेशियो, दैट इज अ 200 डिवाइडेड बाय 100, 2. जितना ज्यादा ये रहता है उतना अच्छा वो आपका प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे वही देखिए, यहाँ पे आपका द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 200 बट द कॉस्ट इज 150. सो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं वो थ्रोटपुट अकाउंटिंग रेशियो कम आएगा. कितना आएगा, काफी कम आएगा, ठीक है, समझ गए, 1.33 समथिंग कुछ ऐसा आएगा. देन अगेन इसमें आपका थ्रोटपुटिंग कितना आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 300 एंड योर दिस इज 200, सो व्हाट वुड बी थ्रोटपुट अकाउंटिंग रेशियो, 1.5. तो सर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा किसका है, इसका. तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, यू विल प्रोवाइड द रैंकिंग. सो पहले आपने देखा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, उसके बाद आप करेंगे बॉटलनेक रिसोर्सेज के हिसाब से वो कैलकुलेशन. देन यू विल कैलकुलेट द TAR, दैट इज द थ्रोटपुट अकाउंटिंग रेशियो, उसके हिसाब से आप क्या प्रोवाइड करेंगे, रैंक्स प्रोवाइड करेंगे. सो यहाँ पे रैंक आएगा 1, 2 एंड 3. सो देयरफॉर द राइट आंसर इज रैंक 1, रैंक 3 एंड रैंक 2. सो राइट आंसर इज B. समझ गए किस तरीके से किया, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कोई इतना इसमें नहीं. देखो मैंने पहले भी कहूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एसएमपी बेसिक ही रहते हैं, नो कांसेप्ट, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी और ये तो फिर ओपन को ज्यादा लर्निंग जरूरत नहीं रिगार्डिंग द एसएम द न्यू स्टूडेंट बेसिक नहीं है और उनका एसक्यूएम में चले गए, यू डोंट टू वरी अबाउट एनीथिंग. चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एससीएमपी का, व्हाट इज क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइसिंग. सर क्या डीटी की ट्रांसफर प्राइसिंग है, डेफिनेटली नॉट. एससीएम में भी आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट है, ठीक है. क्या है वो, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइसिंग, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का प्राइसिंग. ₹20 केजी हमारे कैसे प्लांटेशन, जो एक अलग अलग यूनिट है, एक प्लांटेशन यूनिट है और एक प्रोसेसिंग सेंटर. अब देखो अब ये बोलना है कि प्लांटेशन का कॉस्टिंग कितनी है, 170, बट अगर हम डिपार्टमेंट का ट्रांसफर करते हैं तो शायद आप पहले बोलोगे सर 170 में ही ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पे जो मैनेजर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट या यूनिट बोलेंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसे असेस होती है, ऑन देयर सरप्लस, कितना वो एडिशनल जनरेट कर रहे हैं ओवर कॉस्ट, उससे उनका सरप्लस डिसाइड होता है. तो क्या वो सही रहेगा क्या 170 पे करना, नहीं, डेफिनेटली नॉट, ऐसे तो प्लांटेशन वाले मैनेजर का लॉस हो जाएगा. तो क्या करना चाहिए, सो यहाँ पे आपको ट्रांसफर प्राइस निकालना है. सिंपल सी बात समझिए, ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलता है, एक आपको मिनिमम और एक मैक्सिमम प्राइस सेट करना पड़ेगा. बेसिक कॉमन सेंस से मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद ही आप आंसर बता देंगे. देखिए 170 इज योर कॉस्ट, ठीक है.
आपका जो प्लांटेशन डिपार्टमेंट है, इट कैन सेल इट टू एन आउटसाइडर फॉर रुपीज 200 रुपीज पर केजी, इतने में आप सेल कर सकते हैं। ये हो गया प्लांटेशन डिपार्टमेंट का। अब आपका जो प्रोसेसिंग सेंटर है वो या तो इससे 210 रुपए में खरीद सकता है या कोई भी प्राइस में खरीद सकता है, या फिर वो बाहर कोई और सप्लायर से खरीद सकता है 205 रुपीज में वो बाहर से ले सकता है। अब मैनेजर का अगर माइंडसेट अगर देखेंगे, ये प्लांटेशन का मैनेजर क्या रहेगा कि मैं 200 से सप्लाई कि सर मैं 205 से ऊपर में तो नहीं लूंगा, बिकॉज ऑलरेडी बाहर से मुझे 205 में अवेलेबल है, मैं अपने इंटर डिपार्टमेंट से 205 से ऊपर कैसे लूंगा। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस? द मिनिमम प्राइस ऑफ ट्रांसफर प्राइस वुड बी 200 एंड मैक्सिमम वुड बी 205। यू गेट द जिस्ट? समझ में आ गया? सिंपल सी चीजें हैं यार, कुछ भी नहीं है, ज्यादा तुम लोग लोड लेते हो पता है। चलो अब थोड़ा सा डीटी का क्वेश्चन इन्होंने बीच में डाल दिया है। इन अगस्त 23 आरटीएल टी एस्टेट इन जेलांग नगर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट रिसीव 10 लाख रुपीज एज कंपनसेशन फॉर इंश्योरेंस कंपनी फॉर सीवियर डैमेज टू ग्रीन लीव्स कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म। अ ट्रेनी अकाउंटेंट टैक्स एट द हेड ऑफिस बिलीव दैट द एंटायर रिसीव्ड अन इंश्योरेंस पॉलिसी पर्टेनिंग टू द डैमेज कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म लीव विल बी एसेसिबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इज द टॉपिक ऑफ रूल 8। अब यहाँ पे रूल 8 आपको पता है क्या बोलता है? अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों है तो उनको आपको उस रेशियो में या कुछ रेशियो में आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग इनकम है क्या? नहीं। तो पूरा कंपेंसेशन आपका किसमें जाना चाहिए? आइडियली द होल कंपेंसेशन विल गो अंडर द एग्रीकल्चरल इनकम। समझ गए? There is no manufacturing income, इसलिए जो उसका compensation भी है that would be counted under the agriculture income, ठीक है? समझ गए? अब देखो, अब ये question है जिसके लिए आपको case study पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। क्यों सर? Because यहाँ पे basic छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी उसने पूछ लिया है। अब यहाँ सीधा सीधा ये पूछ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, what is the rationale behind RTL decision in mid-90s to expand its operation into saturated market? हमने देखा मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड था काफी, फिर भी वहां पर उन्होंने एक्सपांशन का सोचा। इट कुड हैव मेंटेन द स्टेटस को एज प्लांटेशन कंपनी प्रोड्यूसिंग टी लीव्स। वो वैसे ही रह सकते थे कि प्लांटेशन कंपनी रह के टी लीव्स को हम बना के और उसको ऑक्शन कर देंगे। व्हाई डिड हैव टू गेट इनटू ब्लेंडिंग पैकेजिंग मार्केटिंग बिजनेस वेल एंड ऑल्सो हाउ डिड आरटीएल मैनेज टू बिकम अ मार्केट लीडर डिस्पाइट द कॉम्पिटिशन। जहां पे भी कॉम्पिटिशन की बात आए, आई डोंट नो इफ यू नो द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल फॉर मार्केट पेनिट्रेशन, क्या क्या है वो आप वही आंसर आपको यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है। यू आर बीइंग द डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी एट आरटीएल, हैव रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द रैशनल बिहाइंड द बिजनेस डिसीजन टेकन इन द मिड 1980s, ऑल्सो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन द केस स्टडी असेस कंपनी सक्सेस इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। यहाँ पे आपको क्या बताना है? पोर्टर्स 5 फोर्सेस। तो व्हाट आर द पोर्टर्स 5 फोर्सेस? बाकी सारे आंसर्स आप देख लेना एक बार। तो देखो ये बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि जब वहां पे उन्होंने देखा कि सारी कंपनीज अपने पैकेजिंग और इसमें लगी हुई है, ये लोग सिर्फ ऑक्शन कर रहे थे तो वहां पर मिडिल मैन और उसका था, तो यहाँ पे बहुत ही स्लिम मार्जिन में वो लोग पहले काम कर रहे थे। रिकॉग्नाइजिंग दिस चेंज द मैनेजमेंट ऑफ आरटीएल टू स्टडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड हाउ इट वुड डिटरमाइन इट्स स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड थ्राइव विद इन कॉम्पिटेटिव बिजनेस। आरटीएल बिकम एजाइल रिस्पॉन्सिव टू चेंज दिस रीजन मेड इट कॉम्पिटेटिव एंड बिकेम द प्राइमरी रीजन फॉर सक्सेस। उन्होंने क्या किया? चीजें अपने आप को चेंज की, पहले मार्केट की स्टडी की, दे स्टडीड द मार्केट और उस हिसाब से उन्होंने चेंज किया। टोटल 5 फोर्सेस हेल्प आरटीएल टू आइडेंटिफाई वेदर पावर लाइड इन बिजनेस सिचुएशन, कहां पे पावर थी। दिस वाज यूजफुल बोथ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टैंड आरटीएल करंट कॉम्पिटेटिव पोजीशन, अभी की पोजीशन क्या है और जो मार्केट में मेंटर कर रहे हैं वहां के, तो कोई भी पर्सन ने क्या चीजें हैं, रिगार्डिंग द केस स्टडी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्सिड्यूस, राइवलरी अमंग एक्जिस्टिंग फर्म्स, दीज फर्म्स, दीज आर दी 5 फोर्सेस दैट यू नीड टू टेक केयर अबाउट। यहाँ पे कोई अपने मार्केट में आपको 5 फोर्सेस दिखना पड़ेगा कि क्या अभी चल रहा है उस मार्केट में पता लगाने के लिए। ओवरऑल आरटीएल ने उन्होंने एक अलग ब्रांड बनाया था, हाई मतलब पैकेज कैटेगरी के लिए अलग ब्रांड, डस्ट लीव्स के लिए अलग ब्रांड, कोल्ड टी लीव्स के लिए अलग ब्रांड, तो ये सारी चीजें वहां पे थी, ठीक है? उसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन है इंडिया 41 पे। व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन?
सीधी सी बात है, जो प्लग टीप्स आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज पर द इंडिया 41 और नॉट, मतलब सीधी सी बात है, जब प्लांटेशन होता है तो प्लांटेशन टीम में जो उनका अकाउंटेंट है उसको क्वेश्चन है कि भैया जो आपके लीव्स है जब वो प्लग हो जाते हैं क्या वो इंडिया 41 दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर आते हैं, और हाउ शुड द प्लग टीप्स लीव्स विल बी इनिशियली मेजर। तो दो आपके माइंड में क्वेश्चन है, बेसिक सी चीजें, अगर इफ यू नो द इंडिया 41 दिस इज अ बेसिक थिंग फॉर यू, नहीं भी तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर थोड़ा बहुत उसका आप रीड कर लेंगे यू विल गेट इट। सो व्हाट इज द आंसर, इंडिया 41 इज अप्लाई टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटी बायोलॉजिकल असेट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जब तक वो हार्वेस्ट के पॉइंट तक रहता है देन इट इज द इंडिया 41, उसके बाद वो क्या हो जाता है इंडेस 2 के अंदर इन्वेंटरी के अंदर आ जाता है, बट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो क्या है इंडेस 41 आता है। अकॉर्डिंगली इंडेस 41 डज नॉट डील विद प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद वो इंडेस 41 के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, वाइल सच प्रोसेसिंग में भी लॉजिकल एंड नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी देयर इवेंट टेकिंग प्लेस मे बी सम बियर सिमिलैरिटी टू बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सच प्रोसेसिंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन द गिवन केस RTL produces tea by processing tea leaves after they plucked from the tea plants after they harvested. Accordingly, any processing of harvested agriculture produce will not be under the scope of Ind AS 41. जब तक वो प्लग किए, प्लग होने के पहले तक वो इंडिया 41 में शायद कवर किए जा सकते हैं, एक बार प्लग हो गए वो इंडिया 41 के अंदर नहीं जाते हैं। Hence, such plug tea are agriculture based on the above definition at the point of harvest. Plug teas are the harvested product of tea plants which are biological assets of RTL. Hence, such plug tea आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर इंडिया 41। फिर इंडिया 41 क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटीज बायोलॉजिकल असेट शुड बी मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज योर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, FVLCPS, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आप इसको करेंगे, फेयर वैल्यू माइनस द कॉस्ट टू सेल द असेट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट एज एट द डेट वेन अप्लाइंग इंडेस 2। फिर आपका किस में हो जाएगा वो इंडेस 2 में चला जाएगा, देयरफॉर इन लाइन विद द पैराग्राफ इंडेस 41 फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल, ठीक है, सच प्लग टी लीव्स विल बी मेजर्ड एज इन्वेंटरी एज पर द इंडेस 2, जब एक बार वो प्लग हो जाती है उसके बाद वो किसके अंदर काउंट होती है इन्वेंट्रीज के अंदर काउंट होगी। ठीक है, एक सेकेंड, यस चलो अब एक लास्ट सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है लास्ट वाला भी एकदम, देखते हैं चलो। इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/23 द मैनेजमेंट ऑफ RTL हैज मेड सेवरल अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड अफर्म द ऑडिटर दैट ऑल नेसेसरी अकाउंटिंग एस्टीमेट बी रिकॉग्नाइज्ड मेजर्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। However, in the course of audit, auditor has observed some change circumstances given rise to the need for an accounting estimate. And I'm ready, sir. सीधा सीधा बताना है आपको, as per सीधा सीधा आपको ऐसे ही बताया, ऐसे 540 के हिसाब से कब कब आपको अकाउंटिंग estimates चेंज करने पड़ते हैं, सीधा सीधा है, you have to give the scenarios, the entity has changed, engaged in new types of transaction, कोई नया transaction है जहाँ पे accounting estimate नया बनाना पड़े, term of transaction that gave rise to the accounting estimate has changed, जो पुराना estimate था जब कोई transactions थे उसके term बदल गए हैं तो नया accounting estimate आपको बनाना पड़ेगा, accounting policies relating to accounting estimates have changed, policies change हो गई तो आपको क्या change हो जाएगा एस्टिमेट भी चेंज हो जाएगा, रेगुलेटरी और अदरवाइज चेंज, मतलब जो चीजें जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है, रेगुलेटरी चेंजेस, लॉ चेंजेस, लीगल चेंजेस, कोई भी चेंजेस, उसके कारण आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करना पड़ेगा, कोई ऐसी नई कंडीशन आ गई, कोई नया ऐसा कोर्ट केस आ गया, कुछ आ गया जिससे आपको अपने एस्टिमेट में चेंज करना पड़े, जहां पे एस्टिमेटेड में चेंज आता है आपको क्या ध्यान रखना है ऐसे 315, ठीक है, मैनेजमेंट फेल टू आइडेंटिफाई किया, सक्सेस वेयर द ऑडिटर आइडेंटिफाइज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट फेल टू आइडेंटिफाई, तो सीधा सीधा है आपको ये भी वहां पे लिख के आ जाना है। बेसिक से क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, हाँ बट ऐसा है केस स्टडी काफी लेंदी है, सो वो चीज का आपको ध्यान रखना है।